ये बोल सकते हैं। चलिए कहाँ से शुरू करें, कौन बोलेगा पहले? ऋषभ, सर ये जो कैसा 3 दिन का लगा? कोर्स रहा वो 3 दिन जो कोर्स रहा वो बहुत अच्छा रहा और हमें एक नया ऊर्जा प्राप्त हुआ और आशा करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में जो प्राप्त हुआ इसको अनवरत 40 दिन तक मैं करता रहूँगा। बाकी आपके मार्गदर्शन व्हाट्सएप के माध्यम से बाकी सूचनाएं से हम प्राप्त करते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे, पूज्य गुरुदेव से जुड़े रहेंगे और हम यही कहते हैं। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं आभारी हूँ हृदय से, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों पे नमन वंदन और हमारे जितने साथी थे उनको भी नमस्कार। बहुत बढ़िया शिवांगी, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाई। बहुत टाइम से चल रहा था ये करने के लिए पर हो नहीं पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था या जो भी रीजन थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग करके एक शुरुआत हुई है अच्छी। बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, करने से पहले बहुत कुछ मन में था कैसे होगा, कोर्स कैसा है, कैसे होना है, पर बहुत अच्छा है। मैं जितना सोच भी नहीं सकती, मतलब बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ मुझे ये नया नया मुझे मिला है इसमें और अब मेरा मन ऐसा है कि मैं अब इस लाइन में जो आपने हमें सिखाया है, मार्गदर्शन दिया है, उसको मैं आगे लेके चलूं, हर दिन हर कुछ नया नया सीखूं। गुड। शुभ, कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्ट भी है कंप्लीट तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं और आगे जोर चल से के। बोलो। जितनी भी चीजें सीखने को मिली है ना, आप इसी चीज से अपने करियर में चेंज ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके सारी ऐसी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया 3 दिन में, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना है तो अभी यही बोल लो, फिर बाद में आके हमको मत बोलना कि उस समय भूल गए थे बोलना। बहुत सारी चीजें भी याद नहीं आनी, बट बहुत अच्छा, बहुत चेंज आया, अच्छा तो बाद में बोलोगे तुम चीज ठीक है। है। आपको थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा शुभ लगा यही आपसे हमारे बात। पास ही रह रहा है, वो दूसरे कमरे से कोर्स कर रहा है ना। गुड अमित जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, अच्छा लगा हमको, मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। हम सोचे कि नॉर्मल जैसे जूम पे मीटिंग होती है उसी तरीके से होती, लेकिन आपका अनुभव इतना बढ़िया था कि करने में और आनंद आ रहा था और हम चाहेंगे कि आगे भी आप हम लोग को अक्सर करें इस मार्ग की ओर, आर्ट ऑफ लिविंग की ओर, बहुत और बाकी बढ़िया। सदस्यों को भी कहेंगे कि इसको ज्वाइन करें। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहिए, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। आप कहाँ रहते हैं अमित जी? मैं भैरवनाथ रहता हूँ सर। बहुत बढ़िया। अनम्यूट। जगह ठीक यह आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये कोर्स है ना, जो नाम में है आर्ट ऑफ लिविंग, एक्चुअली ये सच में मेरे लिए आर्ट ऑफ लिविंग है क्योंकि हमें जीने की कला बताती है। हम जो छोटी मोटी परेशानियों में फंसे रहते हैं, चीजों को समझ मतलब पता होता है लेकिन अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में, ये जो 3 दिन का ये जो हमने कोर्स करा, जो मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, इससे मैंने ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर मतलब कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलता है। मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को
बहुत जल्दी चेंज कर पा रही हूँ। मीन्स अगर मैं बहुत कभी सैड फील करती हूँ तो मुझे इंस्टेंट ये चीज फील होता है कि मैं उस स्टेट से वापस हैप्पी जोन में जा सकती हूँ। कैसे जा सकती हूँ? दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। और ये मैंने आपसे तो ये 3 दिन का कोर्स किया है, एक्चुअली अमेजिंग, बहुत बहुत ही अमेजिंग सेशन था। एक छोटी मोटी जो भी हमने बातें सीखी है, जो भी चीजों को आपने बताया है, वो सारी चीजें हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये अपने रूटीन में इन लाते हैं, इनबिल्ट करते हैं, तो अपने लाइफ के साथ साथ हम बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का तो बिल्कुल, मतलब अपनी फैमिली को भी बहुत हैप्पीनेस दे सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बहुत बढ़िया ना। अच्छा देखो, आपको अभी आपने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, बेसिक प्रोग्राम हम इसको कहते हैं ना, तो ये करके आपको जैसा भी लगा, जितना अच्छा आप बोल बता पा रहे हैं कि ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगा ना, अगर हम इन सब को हम ना अगर एक सिंबल के रूप में बताना हो, तो हम कहेंगे ये एक बूंद है जो अभी आपने आर्ट ऑफ लिविंग में अनुभव किया, ये एकमात्र एक बूंद है। अगर आपको पूरा सागर का अनुभव करना है ना, आप मेरे पीछे देख रहे हैं सागर की लहरें आ जा रही हैं ना, तो ये सागर का अगर अनुभव करना है तो आप सब लोगों को तुरंत जितनी जल्दी हो सके एडवांस कोर्स करना चाहिए। हाँ, उसको हम कहते हैं एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। वो नॉर्मली रेसिडेंशियल होता है, ऑनलाइन भी होता है, जैसे आपने अभी किया है ऑनलाइन, ऐसे आप ऑनलाइन घर में बैठे भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। वो पूरे दिन का सेशन होता है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे शुरू होगा, जैसे आपका ये सेशन शुरू हुआ, फिर 8 साढ़े 8 बजे ब्रेक होगा, आप नाश्ता करेंगे, फिर 9 बजे 10 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, वो दोपहर तक चलेगा, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, फिर शाम तक वो 5-6 बजे तक चलेगा, फिर आप डिनर लेकर के फिर से आधे घंटे 1 घंटे के लिए सेशन करेंगे, और रात में ऐसे 8 बजे 9 बजे तक सेशन चलता है ना। तो अभी रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है यहीं बनारस में, बहुत सुंदर मौका है आपके पास में उसको करने का। 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 23rd अगस्त उसका रिपोर्टिंग टाइम है, आप वहाँ आइए, आकर के 24, 25, 26 तक ये कोर्स चलेगा, सॉरी 27 तक कोर्स चलेगा। तो आप जन्माष्टमी है उस दिन, तो जन्माष्टमी मना करके फिर हम लोग कोर्स को समाप्त करेंगे। तो अगर पूरा एक सागर का अनुभव करना है ना, तो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम जरूर करिए, है ना। जो लोग दूर हैं, अर्चना जी आप प्लान कर लीजिए बनारस आने का, अभी तो समय है ना, चाहे तो प्लान कर सकते हैं। 4 दिन के लिए अपने आप को छुट्टी दीजिए, कितना सारा जगह हम गए हैं घूमने ना, बाहर गए हैं, अभी ये अंदर की यात्रा है, तो इस अंतर यात्रा पे आने के लिए आप सबको हम आमंत्रित करते हैं, और आप इसको आशीर्वाद समझें या आदेश समझें या आग्रह समझें, जो भी है, बट ये है हमारी तरफ से कि आपको 24 तारीख को एडवांस कोर्स करना है, ठीक है ना। तो आप सब अपना प्लान बना लीजिए, बस मन में संकल्प आने का जरूरत है। अगर मन में संकल्प आ गया ना कि मुझे करना है, तो आप देखना सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, आप अपने आप इस कोर्स में आ जाएंगे, है ना। तो उसका पहला कदम क्या है, अभी आज हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और जो जगह है ना, बहुत सुंदर है, जैसे आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये तो आर्टिफिशियल है, वो सचमुच में, मैं उसका आपको एक वीडियो शेयर करूंगा उस जगह का। हाँ, इतना सुंदर जगह है, ऐसी सुंदर जगह है, जा करके अगर रहना है 4 दिन, भोजन भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, तो उसके ही चार्जेज आप 15-20 हज़ार रुपया खर्चा करके आ जाएंगे बड़े आराम से। और यहाँ आप मात्र 5 हज़ार रुपये में वहाँ पे रहना, खाना, सोना और आपका कोर्स सब कुछ हो जा रहा है, तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो।
और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है ना। जब मैं कह रहा हूं आपको ये बूंद और सागर का डिफरेंस है, तो आपको यही अनुभव होने वाला है उस कोर्स को करने के बाद। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जरूर एडवांस कोर्स कीजिए। ठीक है, जय गुरुदेव। इसके साथ ही आप सब लोगों जय को गुरुदेव। बहुत सारा आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हाँ, इसके साथ ही हम कुछ लिंक शेयर करेंगे, आप जरूर उसको देख लेना। और हर वक्त हम अवेलेबल है आपके लिए, है ना। जब भी आपको लगे आप बेहिचक हमको फोन कर सकते हैं। जब भी आपको बात करना हो, कुछ पूछना हो, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर मान लीजिए फोन नहीं उठता है, तो आप जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करिए, हम जरूर थोड़ी देर बाद आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो बस आज की मुलाकात बस इतनी। ठीक, जय गुरुदेव, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू।